गजानंद गणपति महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। माँ बगलामुखी देवी की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सद्वदाः। वाम हस्ते जलमादाय, उल्टे हाथ में जल रखें। जल रखने के बाद में सीधे हाथ की अनामिका और कनिष्ठ का उंगली से अपने नेत्रों पर जल लगाएं। नेत्रयो जल स्पर्शा, दोनों कानों पर लगाम करने हो जल स्पर्शा। कंठ पे स्पर्श करें, कंठे हो जल स्पर्शा। शरीर के ऊपर पोक्षण करें। ओ मां पवित्र पवित्र वा सर्वा अवस्थांग दो पिवा। यह स्मरे पुंडरी काक्षा सभाया भयंतरा सुखी। पुंडरी काक्षा पुनातु, पुंडरी काक्षा पुनातु, पुंडरी काक्षा पुनातु। तीन बार जल पीना है सीधे हाथ से। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हाथ धो लीजिए। गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। जिस आसन पर बैठकर अपन पूजन अर्चन कर धरती माता का ध्यान करिए, आसन का ध्यान करिए। ओम पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी तम विष्णुना तथा तुम च धारे मान देवी पवित्रम कुरुचासनम। भूमि देवी नमो नमः। धरा देवी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। शिखा के स्थान पर हाथ रखे सीधा अपना। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजा समन्विते इष्ट देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धि पुरुष में। हस्तो प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए थोड़ा सा जल लेकर। हस्तो प्रक्षाल्य, चले फिर सीधा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मैं आपको यहाँ पर भद्र सुक्त और शांति पाठ सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है वेदों पुराणों के ब्राह्मण के मुख से सुनने से समस्त प्रकार की बाधा संकट दरिद्रता का निवारण होता है। उसी प्रकार आपको ध्यान पूर्वक मंत्रों का श्रवण करना है। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का सभी को जाप करना है। हरि ही ओम। ओम मानो भद्रा कृतवो जंतु विश्वतो दग्धासो अपरीता सकृता। देवानो जथा सदमृदुहे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतान् देवानाग्गुरातिरभिनो निवृतताम्। देवानाग्गुसख्यमुपसे धीमा वयन् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं मकं विक्रमतिथिन् दक्षमत्रिधम्मार्जमरणम् अरुणर्गो सोमवस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु मे खजन् तन्माता। पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवत अश्विना शृणु तन्निष्णा जुवम्। रमेशानञ्जगत तरुपतिन्नियञ्जिन्ममवसे हूमहे वयम्। भूखानो जथा वेदसा मसृधे रक्षिता पायुरदप्तः। स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्वाः सुस्तिना भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अच्युतं पुष्पं समर्पयामि। चलिए फिर हाथ जोड़कर बैठे। मैं जिन जिन देवी देवता का नाम लेता हूँ जहाँ पर भी आपको नमः शब्द सुनाई दे वहाँ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करना है। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को प्रणाम करें लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। माता पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम करें माँ महेश्वराभ्याम नमः। वाणी की देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी को प्रणाम करो वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिव और इंद्र को प्रणाम करें ओम सचिव पुरंदराभ्याम नमः। अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करते उन्हें प्रणाम करें मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जीवन में कभी गुरु बनाए गुरु को प्रणाम करें श्रीमद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल के देवी देवता को प्रणाम करें कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानाय सर्वशक्ति देवी माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। फिर सीधा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान गणेश जी के द्वादश नामों का श्रवण करना है। उनसे प्रार्थना करने के पूजन कर्म जब तक चले इसमें कोई विघ्न ना आए संकट ना आए और जो हमारी मनोकामना उसे पूर्ण करे ऐसी प्रार्थना करते भगवान गणेश जी का जाप करें मन में श्री गणेशाय नमः। ओम सोमकाश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोधरश्च विकटो गगननाशो विनायक। धूम्रकेतुर्वणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननाद्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् अपि।
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतश्च न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं गुरुभुजं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नः प्रशान्तये भीप्सार सिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शृण्वे त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाथ तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तं हरि अक्षतं पुष्पं समर्पयामि प्रधान संकल्पम कुर्यात् संकल्प करेंगे चलिए सर्वप्रथम अपन संकल्प करते हैं किसी भी चीज को कार्य से करने से पहले अपन संकल्प करते हैं। संकल्प का मतलब होता है प्रतीक्षा प्रतिज्ञा किसी भी चीज को कार्य को लेकर करना प्रतिज्ञा। तो अपन आज ये पूजन कर्म कर रहे तो इस अपन ये संकल्प लेंगे जो भी मनोकामना है अपनी वो संकल्प धारण करेंगे। चलिए तीन बार ओम विष्णवे नमः का जाप करें मन में। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। अब ध्यान पूर्वक आपको अपना संकल्प श्रवण करना है मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भगवान से प्रार्थना करनी कि जो भी हमारी मनोकामना है वो सर्व पूर्ण हो। प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान करिए। हरि ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानश्च अद्य श्री ब्राह्मणो चित्रार्धे श्रीशेतवारः कल्पे जम्बुद्वीपे वैसुन्दरेष्टाविंशतमे कलियुगे कलुसंधरणे भल्लोके भारतवर्षे व्रतखंडे आर्यावृत्तेकदेशान्तरे ब्रह्मावृत्तेकदेशे पुण्याप्रदेश उज्जन्यानामिनि नगरे महाकालक्षेत्रेषु प्राटिते हरसिद्धिपीठे ब्रुवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्येषु संवत्सरे 2000 पिंगलनाम्नि सुप्तसंवत्सरे महामाङ्गल्यप्रदमासनामासुतमे मासे कार्तिकमासे सुवे पक्षे कृष्णपक्षे सुप्तितोः सप्तम्यासु पण्डितौ सुवासरायामितायां शनिवासरायामितायां शुभ नक्षत्र हे पुष्य शुभ नक्षत्र शुभ योगे हे शाद शुभ योग हे शुभ कर्ण वृष्टि भद्रकर्ण कर्क राशि स्थित चंद्रे तुला राशि स्थित सूर्य मेष राशि स्थित देवगुरु शुभ बृहस्पति यथायथम स्थान स्थित सुषु पूजन का नाम है सुरक्षा महानिशा पूजा। आइए यहाँ पर सभी यजमानों के गोत्र और नाम लिए जाएंगे। आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है संकल्प को। गोत्र ताली परिवार नाम त्रिभुवन नाथ गुप्ता नेहा गुप्ता त्रिभुवन भोला गुप्ता त्रिभुवन। गोत्र कश्यप परिवार नाम विनोद कुमार अंजू साक्षी निकिता कार्तिक। गोत्र बंसल गोत्रोत्पन्ना हम्मा परिवार नाम आशीष देवरा आरव देवरा अयांस देवरा रीना अग्रवाल। गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्न हम परिवार नाम वीरेंद्र निषाद गीता देवी। गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्न हम परिवार नाम समिंत्र भारती वेदिका साची। गोत्र चंद्र महर्षि गोत्रोह परिवार नाम मिथुन दास नारायण चंद्रदास शिबानी रानी दास प्रियंका दास रीमो दास परिवार नाम। गोत्र गौतम अजय भान सिंह सुनीता सिंह मर्यादा यशो लक्ष्मी अतुल्य ओजस शुभवती देवी। गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्न हम परिवार नाम विवेक नथवाणी कोमल रायचुरा। गोत्र मलिक गोत्रोत्पन्न हम परिवार नाम प्रीति मलिक प्रीति मलिक किया मलिक। गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्न हम परिवार नाम विष्णु प्रसाद गया प्रसाद केवत दुर्गावती विष्णु प्रसाद केवत आदित्य विष्णु प्रसाद केवत गया प्रसाद काशी केवत बिंद बिंद मटी गया प्रसाद केवत गोविंद गया प्रसाद केवत व्यक्तिगत हिमांशु सेम
सेमावाल भारद्वाज गोत्रत्तन्नः अमितवालचा कश्यप गोत्रत्तन्नः सिंगेल भारद्वाज गोत्रत्तन्नः मिषवंशखा शर्मा वसीता गोत्रत्तन्नः राहुल राज इंद्रजीत कश्यप गोत्रत्तन्नः विशाल दरशेष साह कश्यप गोत्रत्तन्नः पीएम प्रातिक कश्यप गोत्रत्तन्नः सुमित्रा देवी कश्यप गोत्रत्तन्नः दिग्विजय कृष्ण कुमार संवंत पाराशर गोत्रत्तन्नः नीलेश विद्याधर मेयकर कश्यप गोत्रत्तन्नः विश्वजीत भारद्वाज गोत्रत्तन्नः सुमित अग्रवाल मंगल गोत्रत्तन्नः संध्या गोयल गर्ग गोत्रत्तन्नः यजमान नामः अवनीश वत्स गोत्रत्तन्नः यजमान सकल मनोकामनाः संसिद्ध्यर्थं ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थं मन ईप्सित मनोकामनाः संसिद्ध्यर्थं सभी यजमान अपनी मनोकामना को मन में अपने स्मरण कर लीजिए। मनोकामनाः संसिद्ध्यर्थं सर्वशत्रु दुष्ट बुद्धि बल बुद्धि निवारणार्थे मां प्रत्यंगिरा चरण सानिध्योः यजमान सम कार्य संसिद्ध्यर्थं एक ब्राह्मण द्वारा मूल मंत्र द्वारा बगलामुखी प्रयोग छेदनार्थम यजमान सर्व काम रोग दोष पीड़ा बाधा संकट निवारणार्थे मां प्रत्यंगिरा देवी प्रसन्नता आशीर्वाद प्राप्त निमित्तार्थे ब्राह्मण द्वारा मूल मंत्र द्वारा होमं च कर्म हम करिष्ये। छोड़ दीजिए। ओम जाग्रतो दूरम दैति देवं ततस्वैति दूरंगम ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलिए बगलामुखी मात की जय। यहाँ पर पांच आहुति डालेंगे माँ भगवती के नाम की। डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूरव स्वरमः स्वाहा हरि ओम मा ओम महाकृष्णेन सह वर्तमानो निमेषन्न व्रतं त्रञ्चा हिरण्येन सप्तार्थेन देवो जाति भुवनानि पशन्न सूर्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा। चलिए फिर जल रखिए। अनेन कृतेन यथाशक्ति था भक्ति नवग्रह होमं च अर्पणमस्तु। छोड़ दो जल। फिर सीधे हाथ में जल रखो। अथ अनेन कृतेन संकल्पम अनुसारेण मां बगलामुखी देवी प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थं मूल मंत्र द्वारा होमं च कर्महं करिष्ये। ये उज्जैन में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ, यहाँ पर हम हवन करते हैं। आइए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए हरि ओम ध्यान करिए माता भगवती का। ओम खड़गं चक्रधीषु चाप परिघं शूलं मुसुंडीं शिरा शंखं सन्दधधिकरिस्रनयना सर्वांगभूषामृता नीलाश्मद्वरिमात्पाददशका देवे महाकालिका यामातोस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटवम् ध्यानार्थे आवनार्थे नः अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। चढ़ा दो अक्षत पुष्प। चढ़ाओ अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। चार बार जल छोड़िए।
ओम बाध्योपाध्यम समर्पयामि अस्योर्घ्यम जलम मुखे रात्मनम जलम समर्पयामि सर्वांगे शुष्णान्यम जलम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। आहुति डालने आए। ओम लिम मुगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मुगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मुगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मुगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। चलिए फिर जा लिखे अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति तीलम होमं च अर्पणमस्तु। फिर रखे जल अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति होमं च कर्महं करिष्ये। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। ओम लिम मगला मुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां गिल बुद्धिविनाशाय लिमां फट स्वाहा। चलिए फिर जल लिखे अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति मा पीताम्बरा बगला मुखे देवी प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थं होमं च अर्पणमस्तु। चलिए मिर्च उठा लीजिए। सर्वशत्रु दुष्ट बुद्धि बल बुद्धि निवारणार्थेन यजमान कार्यार्थेन सिद्ध्येतः मिर्च होमं च कर्महं करिष्ये।
ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। ओम लिम्बग्राम खिम सर्वदुष्टानां वाच मुखं पदं स्तंभय दीपां गल विद्धिमनासाय मम फट स्वाहा। जल रखे जल रखिए। अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति मा पितामहा भग्रामुखी प्रियंतान नमः। उठा लीजिए। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थं होमं चकर्महं करिष्ये। ओम एम लिम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 ओम एम लिम क्लम 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 चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नमः यथा सत्य यथा भक्ति होमं चर्पणस्तु। महालक्ष्मी प्रसन्नता तम सिद्ध्यर्थम शुभलक्ष्मी महालक्ष्मी प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति यथाभक्ति कमलगट्टे होमं द्वारा च कर्महं करिष्ये। हे चलिए। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम हिमिरण्यवर्णाभरणिं सुवर्णारजतसां चन्द्राभरणमलक्ष्मीं जातवेदो मावह स्वाहा। कामावजातवेदो लक्ष्मी मन्पकामिनी मिश्याम हिरण्यविन्देयं ग्रामसंप्रसानहं स्वाहा। असूर्वां रथमद्यामस्तिनाथ प्रमोदिनं शं देवी मुम्बई शर्मादेवी जुस्तां स्वाहा। कांसोन्मतां हिरण्य प्राकारा माद्रां जलं तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेशतां पद्मरुणां तामिह उपोपवेशां स्वाहा। चन्द्रां प्रभाषां यस्याजलं तीं शं लोके देवी जुष्टामदरां तां पद्मिनीमिं शृणुमहं प्रपद्ये स्वाहा। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तामरुणे स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतिस्तो वृक्षोद्विल्वा तस्य फलानि तप्सानन्तु महायन्त्रैश्च बह्यालक्ष्मी स्वाहा। उभयतु मां देव सदा गृत्यश्यामणिनाशः प्रादुर्भूतौ श्राटस्मिन् कृतमिद्धमात्मे स्वाहा। तृप्तिवासं लाम्यष्टां लक्ष्मीनाश्याम्यः अभूतं स्मृतिं च सर्वां निर्मे ग्रहा स्वाहा। गन्धद्वारां नरादशां नृतपुष्टां कृष्णं सर्वभूतानां तामिह उपवैश्यां स्वाहा। मनसः कामभाकुवतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां प्रभुपन्यशमहिषी हेतामिषः स्वाहा। कर्दमेनापजाभूतामयि सम्भोवर्तमासं वासमेकुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा। आपः सन्तु निग्धानि चिकलितवस्नेगृहे निशदेवी मातरं सुमासनेकुले स्वाहा। आद्रां पुष्करणीं वृष्टिमिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामृण्महिमलक्ष्मीं जातवेद उमावह स्वाहा। आद्रां यहकरणीं वृष्टिं सुवर्णामहिमालिनीं सूर्यामृण्महिमलक्ष्मीं जातवेद उमावह स्वाहा। कामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपकामिनीमिष्टामहिरण्य प्रभूतं गावो दशशोन विन्देयं सानहं स्वाहा। यः सुते प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्दासुक्तं पञ्चहञ्जं च श्रीकामासतं जपेत स्वाहा। ओम श्रीष्टते लक्ष्मी शपत्न्या भव रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्मव्याप्तं माशनिखाणां मुंबई खाण सर्वलोकं मयि खाणः स्वाहा। जल लखिए।
ओम प्राणाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवस्वरम वाह। चलिए फिर बात ले लीजिए। हाँ, भैरव जी का ध्यान करते हैं, उनको आहुति प्रदान करें। ओम मंत्रिष्य दंष्टा महाकाय कल्पांताद हनुमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञानां ददातु महर्षि। कुल भैरवाय नमो नमः, बटुकु भैरवाय नमो, काल भैरवाय नमो नमः, विक्रांत भैरवाय नमो नमः। ध्यानार्थे आवनार्थे नः अक्षतम पुष्पम समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ओम ह्रीं मटुकाय पदुद्धरणाय कुरुकुटकारिमं स्वाहा, 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 ओम ह्रीं मटुकाय पदुद्धरणाय कुरुकुटकारिमं स्वाहा। ले तेल डालिए इसमें थोड़ा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम लिम मंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वामिलमिति मनः सालिमां फट् स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिकाय नमः, नैतिकनाथासत् स्वाहसपत्रिकां कां कीलवासिनीं मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिकाय नमः, नैतिकनाथासत् स्वाहसपत्रिकां कां कीलवासिनीं मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिकाय नमः, नैतिकनाथासत् स्वाहसपत्रिकां कां कीलवासिनीं मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिकाय नमः, नैतिकनाथासत् स्वाहसपत्रिकां कां कीलवासिनीं मा स्वाहा।
ओम अम्बे अम्बे गंबालिके नमः नतिकना सदा तद्वाहा सुप्तिकम कांबीलवासिनिम्मा स्वाहा ओम अम्बे अम्बे गंबालिके नमः नतिकना प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्वस्तुतं महाप्रार्थनापूर्वकः नमस्करोमि महाबुग्रामुखी पीताम्बरादेवी प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थं विशेष अर्घ्य भेट दानं च कर्महं करिष्ये। चलो इसको थोड़ा डाल दी। शिववान भवतः ओम श्री शतलक्ष्मी शब्दन्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सुनव्यात्तं मा सन्निखाना मुम्बईखाना सर्वलोकमयखाना महालक्ष्मी स्वाहा। ओम पूर्णाहुत्ये नमो नमः। ओम वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण स्वाहा मदुच्चः स्वाहा। बोलिए बगला मुखी मात की जय। मा पीताम्बरा मा पुत्रिंगिरा देवी की जय। महाकाल महाराज की जय। अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति मा पीताम्बरा मा बगला मुखी प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थं होमं च तत्सत्सिवार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु सारार्तिक्यं महा। आइए माँ बगलामुखी की आरती करते हैं। बोलिए जगदम्बिके मात की जय। माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी की जय। ओम मायगिरि नंदिनि नंद समेतिनि विष्णु विनोदिनि नंदनुते गिरवर विंद शिरोतिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जुष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबिनि भोर कुटुंबिनि भोर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रंग्यक परदिनि शैलसुते मैया रंग्यक परदिनि शैलसुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जगदम्बिके मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्थानि खञ्जणः ते खातु सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि जलाधिकं समर्पयामि हि प्रार्थना पूर्वकः नमस्करोमि जगदम्बिके मात की जय। मा प्रत्यङ्गिरा देवी की जय। प्रार्थना पूर्वकः नमस्करोमि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिकं समर्पयामि हि आर्तिको भगवतिको देवं दद्यात् देवं दद्यात् देवं दद्यात्। माला पहना भगवती को। ओम माल्यादेन सुगंधेन मालित्यानि दे प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पुष्पो यम पति गह्यताम महा। पहना माला भगवती को। पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पमाल्यान्तेन प्रार्थना पूर्वकः नमस्करोमि अमृत मात्रेण नैवेद्यं नैवेद्यामि भोग लगाइए माताजी को। हरिः ओम माम नाभ्यासीदन्तरिक्षपूषेणोऽजोः समवर्तत पदभ्यां भूवर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः। अमृतमात्रेण नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि इच्छतां समर्पयामि। नाम कर लीजिए, आरती ले लीजिए सभी भक्तजन। ओम जले देवादिमंदनम स्वयं ले लीजिए आप आरती। आत्मकल्याणा स्वयं ग्रहित्वा जगकल्याणासन स्वयं ग्रहित्वा परिवार कल्याणार्थेन स्वयं ग्रहित्वा पुष्प उठा लीजिए मंत्र। अपने मन के भाव से भगवान को माँ भगवती को पुष्प भेंट करने अर्पण करने हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय तिमहे तन्नो दंतिः प्रचोदयात् कात्यायन्यै विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर बेटे बेटे प्रतीक्षकणे यानी कानी जपानी जन्मांतरप्रदानि जातानि धर्माणि पश्यन्तु प्रतीक्षणायां पते पदे आवेश करिये गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च ऐसे करो आगतां सुख संपत्ति पुण्योहम देवोहम भाग्योहम तव दर्शनम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करो माँ भगवती से के मंत्र में क्रिया में भक्ति में भाव में सामग्री में अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई तो माँ मुझे क्षमा करना मंत्र हीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सर्वेश्वरा यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे बोलिए बगलामुखी मात की जय प्रत्यंगिरा देवी की जय शिव नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। देखिए यहाँ पर अपन ने ये जो हवन करा है पूजन करा है ये माँ बगलामुखी के चरण सानिध्य में करा है। उज्जैन में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी का यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है। अपन ने ये पूजन करा है, इस पूजन का नाम है सुरक्षा महानिशा पूजन। ये सभी की सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाला पूजन करा है और जो भी अपने शत्रु है उनकी बुद्धि उनका निवारण होता है। जो अपन ने हवन करा है इस पूजन से हवन से सभी जो भी शत्रु है उनकी दुष्ट बुद्धि है उनका निवारण होता है। अपन ने संकल्प में अपन ने बोला था समस्त प्रकार की सारी चीज़ बोली थी। आप भगवान से माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी जय महाकाल।